हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है अल्टर स्टेटमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डीडीएल कमांड्स के बारे में बताया था। डीडीएल कमांड्स होते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। ये कमांड डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें कई तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट, अल्टर स्टेटमेंट, ड्रॉप स्टेटमेंट, ट्रंकेट स्टेटमेंट, रीनेम स्टेटमेंट। इनमें से क्रिएट स्टेटमेंट, ड्रॉप स्टेटमेंट, ट्रंकेट स्टेटमेंट और रीनेम स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज मैं आपको अल्टर स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी। अल्टर स्टेटमेंट डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। MySQL में अल्टर स्टेटमेंट को यूज करके आप किसी टेबल के नाम को चेंज कर सकते हैं, उसी के साथ साथ किसी कॉलम के नाम को भी चेंज कर सकते हैं, टेबल में नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और उस एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किसी भी टेबल के अंदर नए कॉलम को ऐड करने, एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करने या मॉडिफाई करने के लिए अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इस स्टेटमेंट को यूज करके ना केवल नए कॉलम को ऐड और एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट और मॉडिफाई किया जा सकता है, उसी के साथ साथ कॉलम के अंदर वेरियस कंस्ट्रेंट्स को ऐड और ड्रॉप भी किया जा सकता है। सपोज आपके डेटाबेस में एक टेबल है स्टूडेंट, उस टेबल में आपको एक नया कॉलम फादर्स नेम का ऐड करना है, तो उसे आप अल्टर टेबल स्टेटमेंट को यूज करके ऐड कर सकते हैं। आपको कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है जैसे डिग्री डिटेल का, उसको आपको ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो अल्टर टेबल स्टेटमेंट को यूज करके आप उस कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज आपका स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, उसे आपने अभी इंटीजर बना रखा है, आपको उसे वैरकेर में या स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो उसके लिए भी आप अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करके उसे चेंज कर सकते हैं। अल्टर टेबल एड एड बेसिकली एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इसको यूज करके आप किसी एग्जिस्टिंग टेबल में एक या एक से अधिक कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। सिंटेक्स, किसी भी टेबल में अगर आपको कॉलम्स को ऐड करना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे अल्टर, देन स्पेस, फिर टेबल, फिर स्पेस, फिर टेबल का नाम जिसके अंदर आपको कॉलम्स को ऐड करना है, फिर एड, फिर ब्रैकेट आएगा स्मॉल, उसके बाद फर्स्ट कॉलम का नाम, डेटा टाइप, स्पेस, फिर डेटा टाइप, कॉमा, सेकंड कॉलम का नाम, फिर स्पेस, डेटा टाइप। इस तरीके से आप जितने भी कॉलम सेट करना चाहते हैं उनका नाम और डेटा टाइप आप इसमें स्पेसिफाई करेंगे, फिर आप ब्रैकेट को क्लोज करके सेमी कॉलन से इसे बंद कर देंगे। इस तरीके से आप किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में कितने भी कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। सपोज आपकी एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें आपको दो कॉलम सेट करने हैं, एज और कोर्स, तो आप कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए क्या क्वेरी होगी? सबसे पहले आप लिखेंगे अल्टर, फिर लिखेंगे स्पेस, फिर देन आप स्पेस देंगे, सॉरी, फिर लिखेंगे टेबल, देन स्पेस, फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, देन एड, एड लिखने के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आप फर्स्ट कॉलम का नाम लिखेंगे क्या है, एज, आप एज किस टाइप की दे रहे हैं, इंटीजर टाइप की, तो आप क्या लिखेंगे, INT, और ब्रैकेट में आप उसका साइज लिख देंगे, फिर कॉमा, कोर्स, कोर्स आप वेरचर टाइप का दे रहे हैं तो वेरचर, फिर उसका साइज 40, देन ब्रैकेट्स क्लोज करके सेमी कॉलन लगा के जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है स्टूडेंट, उसमें दो और नए फील्ड, दो और नए कॉलम, एज और कोर्स ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से आपको कभी भी कोई टेबल क्रिएट कर लिया आपने, उसमें डेटा ऐड कर लिया, उसके बाद आपको याद आ रहा है कि आपको कोई कॉलम्स उसमें और ऐड करना है, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सपोज स्टूडेंट की डिटेल्स आपने रख रखी है एक टेबल के अंदर, अब आपके पास ऑर्डर आए कि आपको उसमें आधार नंबर भी स्टूडेंट के ऐड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, सारी डिटेल को रिमूव करके नई टेबल क्रिएट करेंगे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस अल्टर टेबल ऐड स्टेटमेंट को यूज करके उस कॉलम, आधार नंबर के कॉलम को उस टेबल में ऐड कर देंगे एंड देन उसके बाद एंट्री कर देंगे आधार नंबर की। अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, किसी
किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में से कॉलम को ड्रॉप करने या डिलीट करने के लिए अल्टर टेबल का ड्रॉप कॉलम स्टेटमेंट यूज किया जाता है। इस स्टेटमेंट को यूज करके हम किसी भी अनवांटेड कॉलम को टेबल में से डिलीट कर सकते हैं। अल्टर टेबल एड स्टेटमेंट को यूज करके हमने टेबल में कुछ कॉलम्स को ऐड किया था। सपोज एक स्टूडेंट टेबल में तीन कॉलम्स थे, आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर। अब उसके बाद हमने अल्टर टेबल ऐड स्टेटमेंट को यूज करके दो नए कॉलम एज और कोर्स उसमें ऐड कर दिए, जिससे उस टेबल में पांच नए कॉलम्स हो गए। क्या स्टूडेंट का आईडी, नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, कोर्स और एज। अब हमें उसमें से कोई कॉलम हमें लग रहा है कि अनवांटेड है, कोर्स कॉलम जिसकी हमें नीड नहीं है, या कोई भी कॉलम अनवांटेड है हमें उसे डिलीट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? अल्टर टेबल का ड्रॉप कॉलम स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आप अल्टर लिखते हैं, स्पेस टेबल, टेबल का नाम, फिर ड्रॉप स्पेस कॉलम स्पेस उस कॉलम का नाम जो कॉलम आपको ड्रॉप करना है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज हमें स्टूडेंट टेबल में से कोर्स कॉलम को ड्रॉप करना है, तो उसके लिए हम किस तरह के क्वेरी लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे अल्टर, फिर स्पेस टेबल, फिर स्पेस, फिर टेबल का नाम क्या है आपके, स्टूडेंट, देन स्पेस ड्रॉप स्पेस कॉलम और स्पेस कॉलम का नाम क्या है, कोर्स, एंड सेमी कॉलम। जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो कोर्स कॉलम हमारे जो टेबल है स्टूडेंट टेबल उससे रिमूव हो जाएगा। अब स्टूडेंट टेबल में हमारे, हमने बोला था जब दो कॉलम हमने ऐड को यूज करके ऐड कर लिए थे, टोटल फाइव कॉलम्स हो गए थे। जब हम इस कॉलम एक को रिमूव कर देंगे तो टोटल अब कॉलम चार कॉलम हो जाएंगे। ऐड, ड्रॉप किसी भी तरह का स्टेटमेंट यूज करने पर टेबल के डेटा में कोई भी लॉस नहीं होता है कि ऐड यूज किया है, ड्रॉप यूज किया तो टेबल का कोई डेटा चेंज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। केवल ऐड को यूज करने पर एडिशनल कॉलम ऐड हो जाते हैं और ड्रॉप स्टेटमेंट को यूज करने पर जो हमारे एडिशनल कॉलम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। अल्टर टेबल मॉडिफाई। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम किसी एग्जिस्टिंग टेबल में नए कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं या उसमें जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। अब सपोज हमें ना तो नया कॉलम ऐड करना है ना ही कोई एग्जिस्टिंग कॉलम डिलीट करना है, बट हम उस टेबल के किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अल्टर टेबल मॉडिफाई स्टेटमेंट यूज होता है। मॉडिफाई से हमारा मतलब क्या हुआ? मॉडिफाई से मतलब हुआ कि उस कॉलम के किसी कंस्ट्रेंट को हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम उस कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, या हम उस कॉलम में नॉट नल प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, या हम उस कॉलम का डेटा टाइप बदलना चाहते हैं, तो इन सब के लिए अल्टर टेबल का मॉडिफाई स्टेटमेंट यूज किया जाता है। सिंटेक्स, सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं अल्टर, फिर देते हैं स्पेस, देन टेबल, देन स्पेस, फिर टेबल का नाम, देन स्पेस, फिर मॉडिफाई, उसके बाद स्पेस, फिर कॉलम का नाम, जिस कॉलम को आपको मॉडिफाई करना है उसका नाम, और फिर कॉलम का टाइप। फिर इसके अलावा आपको उसमें कोई नया कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो वो भी आप इसके आगे लिख सकते हो। लास्ट में सेमी कॉलन लगा के आप उसे एंड कर देते हैं। एग्जांपल लेती हूँ मैं, सपोज मुझे मॉडिफाई करना है एज कॉलम स्टूडेंट टेबल का। क्या मॉडिफाई करना है? मैंने जो एज कॉलम क्रिएट किया था एड को यूज करके, तब हमने उसमें इंटीजर का साइज दिया था तीन। अब हम सोचते हैं कि कोई भी स्टूडेंट 99 प्लस तो होता नहीं है, तो इंटीजर का साइज तीन देके मेमोरी स्पेस क्यों वेस्ट करना है? हम इंटीजर का साइज दो से भी काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे एज जो कॉलम है उसका जो डेटा टाइप है उसका साइज चेंज करना है, तो उसके लिए क्वेरी कैसे लिखी जाएगी? सबसे पहले लिखेंगे अल्टर स्पेस टेबल स्पेस स्टूडेंट स्पेस मॉडिफाई स्पेस एज स्पेस, आप डेटा टाइप क्या देना चाहते हो, इंट, और अब उसका साइज चेंज करना चाहते हो तो तीन की जगह आप दो कर दोगे और सेमी कॉलन लगा दोगे। जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, इससे आपका जो एज डेटा टाइप है उसका जो साइज होगा डेटा टाइप का, एज सॉरी, आपका जो एज कॉलम है उसका जो डेटा टाइप है इंट, उसका साइज हो जाएगा दो। मतलब एज कॉलम के अंदर आप बस दो डिजिट तक का इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। इस तरीके से
सपोज मुझे एज जो कॉलम था उसको प्राइमरी की बनाना था या नॉट नल करना था, तो वो भी मैं ये जो मैंने साइज बताया है उसके आगे मेंशन कर सकती हूँ कि मैंने 2 लिखा, ब्रैकेट में उसे बंद किया, उसके आगे मैंने लिख दिया नॉट नल एंड देन सेमीकॉलन लगा दिया, फिर इसे एग्जीक्यूट किया, तो क्या हो जाएगा कि एज जो कॉलम होगा उसमें 2 डिजिट तक की इंटीजर वैल्यू आ सकती है और उस कॉलम को कभी भी आप नल नहीं छोड़ सकते। इस तरीके से आप कोई भी एडिशनल कंस्ट्रेंट उसमें ऐड करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, किसी भी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, उसके साइज को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अल्टर टेबल मॉडिफाई स्टेटमेंट यूज करते हैं। इस स्टेटमेंट को भी यूज करने पर जो टेबल है उसके डेटा में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। बट इसको यूज करने के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सपोज एज कॉलम के अंदर आपने स्टूडेंट टेबल में पहले से ही कोई डेटा डाल रखा है या आपने एज कॉलम को पहले नॉट नल नहीं किया था, उसमें नल अलाउड था, तो उसमें ऑलरेडी कुछ कॉलम्स नल हैं। अब जब आप इसको नॉट नल प्रॉपर्टी सेट करोगे तो ये आपको एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि आपके उस टेबल के अंदर एज कॉलम में ऑलरेडी कुछ जो वैल्यूज हैं वो नल हैं, वो कॉलम में डेटा पहले से डला हुआ है, तो आप उसे नॉट नल नहीं बना सकते। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट फिर भी अगर आप उसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं या आपने अभी तक टेबल में कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो आप उस चेंज उस नॉट पर्टिकुलर कॉलम को नॉट नल कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी कंस्ट्रेंट आप मॉडिफाई करेंगे अल्टर टेबल को यूज करके, तो कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको एरर शो होंगी, बट उसका कोई ना कोई वैलिड रीजन होता है। अदरवाइज आप किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसके अंदर किसी भी कंस्ट्रेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप अल्टर टेबल का मॉडिफाई स्टेटमेंट यूज करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अल्टर टेबल रीनेम। इससे पहले हमने रीनेम स्टेटमेंट पढ़ा था जिसको यूज करके हम किसी भी टेबल के नाम को चेंज कर सकते थे। अल्टर टेबल में भी एक रीनेम स्टेटमेंट होता है जिसको यूज करके आप किसी भी टेबल के नाम को चेंज कर सकते हैं। सिंटेक्स, सबसे पहले आप लिखते हैं अल्टर, देन स्पेस, देन टेबल, देन स्पेस, फिर आप टेबल का नाम लिखते हैं, उस टेबल का नाम जिसका नाम आपको चेंज करना है, फिर रीनेम, देन स्पेस, फिर उसके बाद 2, फिर स्पेस, फिर नया नाम जो आप उस टेबल को देना चाहते हैं वो आप लिखते हैं, देन सेमी कॉलन से आप उसको बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्टूडेंट टेबल है, उसका नाम चेंज करके रखना है स्टूडेंट डिटेल्स, तो उसकी क्वेरी कैसे लिखी जाएगी? सबसे पहले लिखेंगे अल्टर, देन स्पेस, फिर टेबल, फिर स्पेस, फिर स्टूडेंट लिखेंगे टेबल का नाम क्योंकि आपके स्टूडेंट है, फिर रिनेम 2, और फिर नया नाम आप उसे क्या देना चाहते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, वो लिख देंगे एंड देन सेमी कॉलन। जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे तो उसके बाद स्टूडेंट टेबल का नाम चेंज होके क्या हो जाएगा, स्टूडेंट डिटेल्स। इस तरीके से आपको किसी भी टेबल का नाम चेंज करना है तो आप उसके लिए अल्टर टेबल के रीनेम स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अल्टर टेबल चेंज कॉलम। अल्टर टेबल स्टेटमेंट को यूज करके आप टेबल के नेम के साथ साथ टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनके नेम को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए अल्टर टेबल के चेंज कॉलम स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, जिसे यूज करके आप किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल के एग्जिस्टिंग कॉलम्स के नाम को चेंज करके उन्हें नया नाम दे सकते हैं। सिंटेक्स, सबसे पहले लिखते हैं अल्टर, फिर स्पेस, टेबल, फिर स्पेस, टेबल का नाम, देन स्पेस, चेंज स्पेस कॉलम, स्पेस ओल्ड कॉलम का नाम कि पुराने कॉलम का नाम क्या है, फिर स्पेस न्यू कॉलम नेम कि नया नाम आपको उस कॉलम को क्या देना है, उसके बाद डेटा टाइप लिखते हैं और उस डेटा टाइप में उसके लेंथ लगा के सेमी कॉलन लगा के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक टेबल है स्टूडेंट, उसके अंदर हमें जो नेम था उस कॉलम के नाम को चेंज करके फर्स्ट नेम करना है, तो कैसे होगा? सबसे पहले लिखेंगे अल्टर, फिर स्पेस, टेबल, फिर स्पेस, फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, हमने स्टूडेंट टेबल था तो उसका नाम क्या लिख दिया, स्टूडेंट, फिर हमने लिखा चेंज कॉलम, फिर स्पेस दिया किस कॉलम के नाम को चेंज करना है, नेम, तो क्या लिखा, नेम, नया नाम क्या देना है, फर्स्ट नेम, तो हमने उसमें यहां क्या लिखा, फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद हमने डेटा टाइप लिख दिया, उसका डेटा टाइप क्या है, वेरकर और ब्रैकेट में 40, फिर सेमी कॉलन लगा के जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे क्या होगा
कि हमारा जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर जो नेम नाम का कॉलम था उसका नाम चेंज हो गया फर्स्ट नेम हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम के नाम को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अल्टर स्टेटमेंट क्या होते हैं और अल्टर स्टेटमेंट्स को यूज करके किस तरीके से हम किसी भी टेबल में नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में नए कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी जो उनका डेटा टाइप है, साइज है, उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से टेबल के नाम को बदल सकते हैं या किस तरीके से उस टेबल के कॉलम्स के नाम को हम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।